उमंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु कार्यक्रम अमृता शेरगिल। जनवरी सन 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक लड़की पैदा हुई। उसके पिता सिख थे तथा माता एक हंगेरियन महिला थी। वो लड़की कुछ बड़ी हुई, 5-6 साल की। जब कुछ कुछ बातें समझने लगी तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी। हाँ बेटा। डैडी दाढ़ी क्यों रखते हैं? वो बेटा इसलिए। और हर समय डैडी सिर पर लंबा सा कपड़ा क्यों बांधे रहते हैं? बेटी, इसे कपड़ा नहीं कहते, इसे पगड़ी कहते हैं। वो पगड़ी और दाढ़ी इसलिए रखते हैं क्योंकि तेरे डैडी सिख हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। वो तुझे बेहद प्यार करते हैं, है ना बेटा? हाँ। उस बच्ची के पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह। सरदार उमराव सिंह एक आकर्षक, प्रतिभावान और विद्वान युवक थे। वो अध्ययन करने के लिए विदेश गए थे। वहां उन्होंने हंगरी देश की एक युवती से शादी कर ली। उनके यहां एक बेटी ने जन्म लिया जिसका उन्होंने नाम रखा अमृता। पूरा नाम था अमृता शेरगिल। अमृता जब 8 साल की थी तब वो अपने माँ बाप के साथ भारत आई। कुछ समय वो गोरखपुर के पास अपनी जागीर में रही। वहां उनकी चीनी की मिलें थीं। इसके बाद वो शिमला में रही। उसके माँ बाप ने देखा कि अमृता की रुचि चित्र बनाने में है और वो अच्छे चित्र बना लेती है, तो उसे उसकी मनचाही चित्रकला की शिक्षा के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेज दिया गया। पेरिस शहर उन दिनों दुनिया भर में अपनी चित्रकला, मूर्तिकला और चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध था। पेरिस के आर्ट स्कूल में 5 साल के अध्ययन के बाद सन 1934 में अमृता भारत लौटी। अमृता का अधिकतर समय भारत के बाहर फ्लोरेंस और फ्रांस में बीता था। भारत से दूर रहने पर उन्हें भारत की याद भी बहुत आती रही। अपने माता पिता भी बहुत याद आते रहे और इस दूरी ने उन्हें भारत के और निकट ला दिया। उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुना, बहुत समझा और भारत को लेकर उन्होंने अपने मन में एक सपना संजो लिया। लेकिन अमृता जब भारत वापस आई और उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चारों तरफ गरीबी,
ऊंच-नीच का भेदभाव था, अमीरों और गरीबों के बीच की गहरी खाई थी। इस सब ने अमृता के संजोए हुए सपनों को चूर-चूर कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने यहां के हालात के बारे में लिखा। सुंदर हरे भरे मैदानों में धीरे धीरे चलते फिरते काले शरीर, दुखी चेहरे, अत्यंत कृश, दुबले पतले स्त्री पुरुष ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छाया चित्र, और उन पर एक अकथनीय उदासी का साम्राज्य छाया हो। और अकथनीय उदासी का ये साम्राज्य अमृता के ऊपर हावी हो गया। उन्होंने जो भी चित्र बनाए उनमें इस उदासी की छाप भी रही, और उसके साथ ही इस स्थिति परिस्थिति और लोगों के प्रति उनकी संवेदना की गहराई भी उनके चित्रों में साफ देखने को मिलती है। सच बात तो ये है कि अमृता के मन की करुणा और मर्माहत विषाद की तीव्रतर अनुभूति ही उनके चित्रों में रूप और आकार ले बैठी है। नर नारियों की बड़ी बड़ी आंखों में अनिश्चितता, भय से ग्रस्त पुतलियां, सहज लेकिन मुरझाई हुई सी आकृतियां, जैसे चुपचाप वो अपने भाग्य के भरोसे बैठी हों। सारा वातावरण इतना नीरस, बोझिल और उदासी से भरा हुआ है कि उनके चित्रों को देखने वाले बेचैन, परेशान हुए बिना नहीं रह पाते और उनसे पूछते, अमृता, तुम्हारे सभी चित्रों में उदासी सी क्यों छाई रहती है? किसी भी चित्र में हंसी खुशी और खुशनुमा रंग दिखाई नहीं पड़ते। तब अमृता कहती, जब हमारे आसपास कहीं हंसी खुशी है ही नहीं, चारों ओर गरीबी और मजबूरी है, तो मैं खुशी कैसे चित्रों में लाऊं? इन हालात को देख मेरा मन दुख से भर जाता है। क्या कोई भावुक मन इन्हें अनदेखा कर सकता है? अपनी मौजूदा स्थितियों से बच सकता है? मैं अपने चित्रों में ऐसे हालात को उतारकर लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वे ऐसे हालात से लड़ें, जिंदगी को सही दिशा दें। अमृता सन 1934 में भारत आईं, लेकिन 5 दिसंबर सन 1941 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। इस तरह कुल 5-6 साल में ही वो अपनी कला से देश को इतना प्रभावित कर गईं जितना किसी और कलाकार के लिए पूरे जीवन में भी कर पाना बहुत कठिन है। अमृता शेरगिल ने चित्रकला को पूरी तरह समर्पित होकर पूरी लगन और निष्ठा से चित्र बनाए, जैसे केला बेचने वाले, नींबू बेचने वाले, बाजार की ओर जाते हुए लोग, दक्षिण भारत के ग्रामीण, पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं के चित्र, ब्रह्मचारी, 3 जवान, लड़कियां और दुल्हन आदि शीर्षकों के अनेक चित्र उनके उल्लेखनीय चित्र हैं। चित्रों के बारे में कला समीक्षकों का मत है कि ये चित्र किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति परिस्थिति के चित्र न होकर पूरी सामाजिक व्यवस्था के चित्र हों। अमृता के चित्रों की एक विशेषता ये भी है कि इन चित्रों में एक आत्मा है, भारत के प्रति आत्मीयता है। इन चित्रों की आत्मीयता और संवेदना ही इन चित्रों को महान बनाती है। इसीलिए अमृता के चित्रों ने
भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत की। सच कहा जाए तो अमृता शेरगिल भारतीय चित्रकला के इतिहास क्षितिज पर एक धूमकेतु की तरह उभर कर आईं और शीघ्र ही विलीन हो गईं। लेकिन वो अपने कलाकार जीवन के छोटे से दौर में इतना कुछ दे गईं जो सदैव अमर रहेगा। अमृता शेरगिल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर जगदीश चंद्रिकेश, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, राखी जैन, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा और नेहा, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।